तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, डंकी का जो बज चल रहा था वो अब शायद थोड़ा ठंडा देखने को मिल रहा है। देखो, आज इनके पास बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि राजकुमार हिरानी ये एक ऐसा डायरेक्टर है, ये एक ऐसा नाम है जिसके नाम से मूवी चलती है। और यस, डंकी प्रोडक्शन हाउस या फिर डंकी के मेकर्स या फिर डंकी ही कह लो, ये सिर्फ इस मूवी को बेच रहे हैं ज़्यादा शाहरुख खान के नाम पर नहीं, राजकुमार हिरानी के नाम पर बेच रहे हैं। लेकिन आज राजकुमार हिरानी का बर्थडे था, लेकिन उन्होंने कोई अपडेट नहीं निकाली है। बोला जा रहा था कि 6 टीजर आएंगे, इट मीन्स 6 की 6 ड्रॉप आएंगे। फर्स्ट ड्रॉप ही देखने को मिला है, समय बहुत कम रह गया, लगभग 31 से 32 दिन बाद ये मूवी फटने वाली है थिएटर हाउस में। और इसके सामने सालार यानी डायनासोर यानी प्रभास जबरदस्त तरीके से वेट कर रहा है इसको फुल टैकल करने के लिए, फुल बीट डाउन करने के लिए। और उसकी जो हाइप चल रही है, बहुत सॉलिड हाइप चल रही है। एडवांस बुकिंग के मैं नंबर्स बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। सालार बहुत फाड़ के चल रही है, क्योंकि प्रभास की फॉर्म यार देखा जाए तो उसके पास ना पठान जैसा कंटेंट था ना जवान जैसा कंटेंट था। जो भी मूवी आई सब पिटी हैं, आफ्टर बाहुबली कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई जो इतनी ज़्यादा हाइप सेट करके गई हो। लेकिन हाँ, सालार वो एक ऐसा कंटेंट है जिसके दम पर ये बंदा सॉलिड कमबैक करने वाले हैं। और जिसमें कैमियो सुना जा रहा है किसका, KGF से सीधा यश भाई का यानी रॉकी भाई का। उस कैमियो ने तो अलग ही तबाही मचा रखी है। तो डंकी का ड्रॉप 2 कब आना है कब नहीं आना है फिलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं चल रही। लेकिन हाँ, ये लोग भी अगर इन्हें वाकई में सालार से पंगा लेना है या सालार को टैकल करना है तो भाई साहब इन्हें 1 दिसंबर से पहले ही पहले कुछ ना कुछ तो अपडेट देनी पड़ेगी। और आज 20 नवंबर है, हो सकता है मे बी एनिमल मूवी के बाद, क्योंकि एनिमल अभी 23rd of November को आ जानी है। 1 दिसंबर को जब एनिमल रिलीज होगी, उस हर दिन मतलब जब भी मूवी थिएटर में चलेगी, जब भी स्क्रीन पर चलेगी, उससे पहले सालार का ट्रेलर चलाया जाएगा। तो ये जो सॉलिड स्ट्रेटजी है वो पहले ही सेट करके बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर डंकी को भाई और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर काम करना होगा, जिसका उन्होंने रोड मैप बड़ा ही ज़बरदस्त सेट किया था कि हम ड्रॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 6 टीजर निकालेंगे ताकि जनता के दिलो दिमाग में डंकी लगातार घूमती रहे और बस डंकी ही डंकी बजे और डंकी का डंका बजे। पर अभी फिलहाल बहुत टाइम से साइलेंटली माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे लग नहीं रहा है कि ये कब अपना कंटेंट रिवील या फिर रिलीज करने वाले हैं। तो देखा जाए तो भाई आज राजकुमार हिरानी का बर्थडे था, आज इनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट था और इनके लिए अच्छा खासा एक ट्रीट हो सकती थी उनके बिहाफ पर, डेडिकेशन तो कर सकते थे बट नहीं करा। हो सकता है 24 या 25 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाए। बात करते हैं सालार की, जो फुल फॉर्म में चल रहा है, डायनासोर फुल फॉर्म में चल रहा है जुरासिक पार्क में। मतलब इस बंदे को आओ सूझ रहा ना ताओ, बस इसी का कब्जा सूझ रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है और फाड़ने वाला है कब, 22nd of December को सालार सीज फायर। तो भाई साहब, एडवांस बुकिंग में बताऊं तो ज़बरदस्त चल रही है, फाड़ के चल रही है। जो अभी तक हमें 2-3 दिन पहले तक 4000 प्लस की एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही थी टिकट सोल्ड आउट में, अभी वो 10000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज होनी थी उससे पहले ही ये जबरदस्त रुझान तब भी देखने को मिला था USA से। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अपना सारा कुछ वापस कर दिया था, मतलब जो भी एडवांस बुकिंग हुई थी वो रिफंड कर दी थी। लेकिन अभी सॉलिड फाड़ के चल रहा है। सिर्फ USA का मैं बताऊँ तो 125000 प्लस US डॉलर की एडवांस कलेक्शन से ले लिया इन्होंने, मतलब एडवांस बुकिंग से कलेक्शन इन्होंने ले लिया है। मोमेंटम बहुत फाड़ चल रहा है, बहुत फाड़ चल रहा है। प्रॉपर एडवांस बुकिंग नहीं हुई है, प्रॉपर एडवांस बुकिंग मूवी रिलीज के 6-7 दिन पहले ही होती है। अभी फ्लेक्सिबल है कुछ एक जगह पर, मतलब ओवरसीज में जो बड़ी मूवीज होती है उनकी 1-1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी जाती है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाल भी रहती है। तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड से प्लस USA से सभी मिलाकर एडवांस बुकिंग के मामले में ये लोग 2,31,00,000 के आसपास एडवांस बुकिंग कलेक्शन अपने खाते में ले चुके हैं, जो कि जबरदस्त रेस्पॉन्स है, जबरदस्त नंबर है। डंकी का मैं बताऊं तो डंकी को अभी उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हालांकि डंकी वालों को भी इतना ज़्यादा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप 1 जब आया था बहुत शानदार आया था, उस टाइम जो हाइप थी डंकी की सॉलिड थी, अभी थोड़ा हाइप डाउन होते नज़र आ रही है। तो देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल सालार तो फाड़ के चल रही है और ये लोग जबरदस्त फाड़ने वाले हैं। सालार और कोई करे ना करे, सालार 1000 करोड़ का बिजनेस जरूर करके जाए, क्योंकि प्रभास का कमबैक सभी देखने के लिए उतावले हुए हैं, पागल हुए पड़े हैं। आपको क्या लगता है ये मूवी और कितना कलेक्शन एडवांस से ही कर सकती है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, डंकी ज़्यादा कलेक्शन करेगी या फिर सालार ज़्यादा कलेक्शन करेगी, जो भी आपकी राय नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।